सेल को, ठीक। इसमें हम जो हमारे देखा था शब्दावली अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी थी उसमें कुछ सब हमारे रह गए थे, इसलिए क्लास आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हमारा लेखांकन शब्दावली का एक आखिरी क्लास है। इसमें जो शब्द है जो हमें समझाने हैं शब्दावली के, वो प्रविष्टि। प्रविष्टि का मतलब क्या होता है? प्रविष्टि को हम एंट्री बोलते हैं। तो जो व्यापारिक लेन देन है, व्यावसायिक हमारे लेन देन है, उनको लेखा पुस्तकों में लिखना क्या कहलाता है? प्रविष्टि कहलाता है। क्या कहलाती है? प्रविष्टि करना कहलाता है। उनका विवरण बताना, ठीक है, एंट्री करना कहलाता है, ठीक। तो व्यवसाय व्यवहार को लेखा पुस्तकों में लिखना क्या कहलाता है? एंट्री कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है? एंट्री, ठीक। लेखा पुस्तकों में व्यवसायिक व्यवहारों को लिखना, लिखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या है? एंट्री कहलाती है, प्रविष्टि कहलाती है, ठीक। इसके बाद है ऋणी। ऋणी, ऋणी को ही हम हिंदी में बोलते हैं नाम, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेबिट, ठीक है। तो किसी खाते के डेबिट पक्ष में लिखना, किसी खाते के डेबिट पक्ष में लिखना क्या कहलाता है? डेबिट करना कहलाता है। किसी खाते के डेबिट पक्ष मतलब किसी खाते के बाएं पक्ष में, किसी खाते के बाएं पक्ष में लिखना क्या कहलाता है? डेबिट करना या ऋणी करना कहा जाता है। ऋणी का अर्थ है ड्यू फॉर हिम। ड्यू फॉर हिम का मतलब है उसके लिए दे, उसके लिए दे, उसके लिए दे का मतलब सामने वाले व्यक्ति को फर्म के लिए भविष्य में भुगतान करना है, तो वो क्या कहलाएगा? डेबिट कहलाएगा, ठीक। इसी प्रकार होता है धनी। धनी का मतलब होता है क्रेडिट, और इसी का एक और नाम होता है जमा, ठीक। तो किसी खाते के दाएं पक्ष में लिखना धनी करना, जमा करना या क्रेडिट करना कहा जाता है। क्रेडिट का अर्थ है, क्रेडिट का मतलब है ड्यू टू हिम। ड्यू टू हिम का मतलब है उसको दे, उसको दे को अगर हम समझाएं तो भविष्य में किसी व्यक्ति पर कंपनी संस्था को किए जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है? ड्यू टू हिम, उसको दे या उसको बोल सकते हैं क्रेडिट, ठीक, क्रेडिट। इसी प्रकार आगे बात करते हैं खाता। खाता मतलब अकाउंट, ठीक। तो जब किसी व्यक्ति फर्म कंपनी संस्था आय व्यय लाभ हानि से संबंधित समस्त वित्तीय व्यवहारों को या व्यावसायिक व्यवहारों को एक निश्चित समय के व्यावसायिक व्यवहारों को नियमानुसार क्रमबद्ध एक जगह यहाँ लिख दिया जाता है, उसे संबंधित मद का जब किसी व्यक्ति संस्था आय व्यय लाभ हानि से संबंधित एक निश्चित समय से संबंधित एक निश्चित अवधि से संबंधित समस्त व्यवसायिक व्यवहारों को नियमानुसार क्रमबद्ध यहाँ लिख दिया जाता है, उसे उसका खाता कहते हैं, ठीक। उसके बाद है लेखा पुस्तकें, अकाउंट्स बुक, ठीक। लेखा पुस्तकें जब व्यावसायिक व्यवहारों को जिन पुस्तकों में जिन वहियों में लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? लेखा पुस्तकें। व्यावसायिक व्यवहारों को, लेखों को जहां जिन पुस्तकों में जिन वहियों में जिन रजिस्टरों में लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? लेखा पुस्तकें, ठीक। अब है व्यवसाय, क्या व्यवसाय? व्यवसाय को बोलते हैं बिजनेस। व्यवसाय क्या है? लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई आर्थिक क्रिया व्यवसाय है। फिर से सुनो, लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई आर्थिक क्रिया व्यवसाय, ठीक। व्यवसाय सबसे बड़ा जो हमारा कहते हैं महत्वपूर्ण बिंदु वो क्या है? लाभ कमाना। तो कोई भी आर्थिक क्रिया जो किस उद्देश्य से की गई हो, लाभ कमाने के उद्देश्य से। सेवा भाव नहीं, अगर सेवा भाव के उद्देश्य से कोई आर्थिक क्रिया कर रहे हो तो वो व्यवसाय नहीं है, वो समाज से।
सेवा है, ठीक है। तो व्यवसाय होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लाभ कमाने का उद्देश्य रखो। क्या लाभ कमाने का? लाभ कमाने का उद्देश्य की गई आर्थिक क्रिया व्यवसाय है, ठीक। आगे स्वामी मालिक, ठीक। स्वामी को बिजनेसमैन भी बोलते हैं, ऑनर भी बोलते हैं, प्रोपराइटर भी बोलते हैं, ठीक। तो आप बात करते हैं स्वामी की, ठीक। तो व्यवसाय में पूंजी के रूप में धन संपत्ति लाने वाले व्यक्ति को स्वामी कहते हैं। वैसे सुनो, व्यवसाय में पूंजी के रूप में धन संपत्ति माल लाने वाले व्यक्ति को पूंजी कहते हैं, व्यक्ति को स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो प्रोपराइटर, ऑनर, बिजनेस में कुछ भी, ठीक। और जो स्वामी होता है वह व्यवसाय में होने वाले लाभ हानि के लिए जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है पूर्ण रूप से। कैसा? पूर्ण रूप से व्यवसाय में होने वाले लाभ हानि के लिए स्वामी उत्तरदायी होता है। तो आज हमने लेखांकन हमारी सत्तावली चल रही थी, जिसको अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उससे संबंधित जितने भी शब्द थे जो बार बार आते हैं, जिनका ज्यादा प्रयोग होता है, लगभग हमने 25 से 30 के बीच में अपन ने इनको पढ़ाया। सत्ता संख्या में पूछे हो तो लगभग 25 से 30 के बीच में शब्दों को समझाया था, ठीक। ये सारे शब्द जो हमने आपको समझाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे हम जो पढ़ेंगे उनको बार बार यूज होते हैं। तो इनका पहले से मतलब पता होना चाहिए कि किसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? खाते के प्रकार को विस्तृत रूप में, ठीक है, समझेंगे। अभी अपने खाता जो संक्षिप्त रूप में समझा।